हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं दोस्तों। और हमें उठने में थोड़ा लेट हो दोस्तों, क्योंकि रात को थोड़ा हम लेट सोए थे दोस्तों, 10:30 बजे सोए थे, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया उठने में। और दीदी भी हमको जगाए भी नहीं दोस्तों। और देख लीजिए कितना सुबह हो गया और दीदी हमको जगाए भी नहीं दोस्तों। अभी अभी देखिए अभी हम जस्ट उठे दोस्तों, ठंडी लग रही थी और रात को थोड़ा लेट उठे थे ना, लेट सोए थे दोस्तों, तो इसलिए अभी थोड़ा लेट हो गया उठने में। और दीदी हमको जगाए भी नहीं दोस्तों। तो चलिए दिखाया था आप सबको कि दीदी क्या करे अभी। और दोस्तों इससे पहले आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी दोस्त अच्छी लगती है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमसे रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक जाए। और दोस्तों चलिए हम आपको दिखा दें कि मेरी दीदी जब अभी क्या करे दोस्तों। हमको जगाए भी नहीं दीदी, थोड़ा हम भी काम में हेल्प करते दोस्तों, लेकिन दीदी हमको जगाए भी नहीं, हम सोए थे तो। और हमें उठने में थोड़ा लेट हो गया दोस्तों। चलिए आप सबको दिखाते हैं क्या कर रही दीदी। तो आप सभी ने ठंडी बहुत लग रही, तो आप सभी ने मन नहीं। चलिए आप सबको दिखाते कि मेरी दीदी जी क्या कर रही। आज हमको उठने में थोड़ा देर हो गया दोस्तों, चले आप सबको दिखाते तो आप सब वीडियो में बनी रही। तो दोस्तों देखिए अभी दीदी यहाँ पर क्या कर रही है। हमको क्यों नहीं जगाया दीदी दोस्तों? आज जाना है मेला देखने, मेरे आंखों में नींद नहीं हो, अभी अंधेरा ही है, थोड़ा थोड़ा सुबह हुआ है। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, और आज हमने जल्दी उठे बेबी ना, सुबह में मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ गया, परेशान इतना ज़्यादा कर रही थी ना दोस्तों, का ही बताए। अभी देख रहे हैं बर्तन सब मांस लिए, बस धुलना है। हम सिस्टर को इसलिए नहीं जगाया क्योंकि अभी सुबह बहुत हो रही थी और मैं तो उठी गई थी, तो इनको क्या उठाओ, इनको उठाते तो ये बर्तन तो धुलने लगती, इसलिए हम बोले बहुत ज़्यादा ठंड है, हम खुद ही कर लेते। चुल्लू लिप लिए, ले बाबा सब उधर लगा लिए, देख सकते दोस्तों हमको जगाया भी नहीं, तरह हम भी हेल्प कर देते। और हमको जगाया भी नहीं दोस्तों, हम अभी सोकर उठे तो इधर पे आए, सब आदमी बोल रहे थे तो हमको सब आदमी उठ गए, बस हम ही सोए हैं दोस्तों। अभी थोड़ा अंधेरा ही है ना, अच्छे से नहीं हुआ है इसलिए अच्छे से नहीं हुआ। और दीदी को मेला देखने जाना है, हम जाएंगे दीदी जाएंगे दोस्तों। दोस्तों वो ब्लॉग अलग आएगा, मेला वाले इस चैनल पे भी जाएगा, मेरे वाली भी चैनल पर जाएगा, तो आप जरूर देखना। और अभी तो फिलहाल में फटाफट खाना वाना काम हम करेंगे, तभी तो खाना बनेगा, उसके बाद खाना वाना बनेगा दोस्तों, उसके बाद में सबको खिला देंगे। अभी तो सोच रहे क्या काम हम कर लिए हैं, अभी सोच रहे हैं कि ब्रश करके नहा लेती उसके बाद खाना बनाऊँगी। देखिए देखते क्या बोलते, अगर लेट हो जाए गुस्सा करने वाले, ज़्यादा लेट से खाना बनता है ना हमारे घर पर, सबको खा के इधर उधर जाना है, पापा जी खेत में जाते हैं इसके लिए, आप देखते हैं नहीं होगा तो बरस करके ऐसे ही बनाएंगे, बाद में बना कर ही बनाएंगे। लेकिन बहुत देर इतना बहुत ठंडी लग रही है ना देखते, हम पलिया नहीं हो रहे थे ना चादर, फिर मम्मी ने बोल दिया दादू गुस्सा कैसे उसको, ठंडी लग रही बहुत। और इसमें हम ब्लैक ब्लैक कितनी स्मार्ट दिख रहे हैं आप सबको, मैं कैसी लग रही दोस्तों? मुझे लग रहा है ना मैं ब्लैक दिख रही तो मैं अच्छी लग रही, आप सबको कैसी लग रही बताना, ठीक है दोस्तों? मैं अच्छी लग रही हूँ ना इसमें, ब्लैक दिख रही होता दोस्तों, मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, जैसे कि ब्लैक ब्लैक सामान पहनना, ब्लैक देखो जैसे कि ब्लैक ब्लाउज है तो इसको बहुत पुराना, लेकिन ये मुझे बहुत फेवरेट, मुझे ब्लैक कपड़ा बहुत पसंद लगता है, इसमें कितना सुंदर दिख रही। तो दोस्तों आप सब बने रहिए, अभी देख रहे हैं अभी इतना धुल रहे हैं, बेटी भी मेरी रो रही है, अभी इतना ज़्यादा धुलना है, तभी मेरी सिस्टर जाएगी बेबी के पास थोड़ा सा देख ले, तब तक हम सब काम कर लेते हैं, तो फिर मिलते हैं दोस्तों। तो बने रहिए आप सब, सिस्टर जा रही है बेबी के पास, दोस्तों हम जा रहे हैं बेबी को पास, उसके नीचे उतार के सिस्टर उठा दीजिए, ठीक है दोस्तों? हम अभी आगे घर में, इधर पर बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है दोस्तों, और आज हमको दीदी भी उठाए भी नहीं दोस्तों, क्योंकि आज हमको उठाए भी नहीं दीदी जी। और देख लीजिए अभी इधर बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है और हम थोड़ा लेट हो गए दोस्तों, हमको लेट नहीं हुआ क्योंकि
6 बजे उठते ही है और दीदी उससे थोड़ा पहले उठ के और पहले ही काम करने लगी। देखिए अभी उतना अच्छा से फ्रेश भी नहीं हुआ है, देखिए दिन भी नहीं हुआ है उतना अच्छा से। दोस्तों दीदी जी आज हमको उठाए भी नहीं, थोड़ा हम भी हेल्प कर देते पर बहुत ज़्यादा ठंडी है और अकेले काम करी थी। और दोस्तों अभी बाबू को हम रेडी वेडी कर और उसको भेजते हैं, तो दोस्तों उसको द्वार पर भेजते हैं आगे के पास में, वहाँ पर रहेगी। उसको दादी माँ उसको लेकर गई है। तो दोस्तों वीडियो के अंत यही पकड़ दोस्तों, और जाएंगे आज हम मेला देखने। हम हमारे दीदी जी को मेला देखने जाना था, इसीलिए सुबह सुबह उठकर, क्योंकि बाबू भी उठ के जल्दी ही दोस्तों इसलिए परेशान करने लगे। तो उसे दीदी बोला कि आप क्या ही सोएंगे, तो इसलिए दीदी नहीं सोआ और काम सब करने लगे। और दोस्तों हम सोए रहे थे क्योंकि रात को थोड़ा लेट भी सोए थे, इसलिए आज थोड़ा जल्दी होगा उठने में। पर कोई नहीं दोस्तों, आज जाएंगे मेला देखने हम, हमारी दीदी और जितने आदमी घर में सब जाएंगे, बस एक पापा जी रहेंगे घर पे, और जितने आदमी हैं सब आदमी जाएंगे। आंटी जी सब जाएंगे, हम जाएंगे, दीदी जाएंगे, जीजा जाएंगे, आंटी जी की बेटी उटी जाएंगे, वो भी आंटी का जाएंगे। आज दोस्तों बहुत आदमी जाने वाला है मेला देखने और हम भी जाएंगे। तो आप सब भी आए दोस्तों, क्योंकि लोरिया में जो मेला लगता है दूमंट, हम उसी में जा रहे हैं देखने दोस्तों, क्योंकि बहुत दिन से लगता है, 2 महीना लगता है दोस्तों, और इतना भारी मेला है दोस्तों, क्या है होता आप सबको। हम इसी बार तो यही भी करे हैं मेला देखने, इतना भारी है दोस्तों, एक कौन में जाते एक कौन घूमने में तो पूरा टाइम पास हो जाता, पूरा मेला कभी अच्छे से नहीं घूम पाते, इतना बड़ा मेला है सर। तो दोस्तों मेला वाला वीडियो अलग जाएगा पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 हो गया दोस्तों और वो पार्ट 2 हो जाएगा। और तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, और प्लीज़ आप सब मेरा वीडियो देखिए ताकि मेरा आवाज़ हो जाए दोस्तों। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप सब, क्या बताया दोस्तों, भगवान के दुआ है कि दोस्तों अभी थोड़ा सा बस वाच बाकी दोस्तों। मैं बोली थी ना कि 300 घंटा और बाकी दोस्तों, तो कल को जो ब्लॉग चला था उसमें 150 घंटा दिया है, अब बस 150 घंटा बचा है दोस्तों। तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी कि मेरा एक बार में ही 150 घंटा दे दी दोस्तों, ताकि मेरा वाच जल्दी हो जाए। भगवान जी को लगता है हम फिर दया आ गई दोस्तों, बस अब थोड़ा से भगवान जी से ही रिक्वेस्ट कर दो कि मेरा थोड़ा सा भी है वो भी हो जाए दोस्तों। क्योंकि घर पे मेरी मम्मी जी बोली कि हाँ तुम आओ और मैं सिर्फ चर्चा करूँगी। हम बजरंग बली को बहुत बड़ा भक्त है दोस्तों, क्या ही बताओ। सुबह सुबह हम बजरंग बली को नाम लेकर सोते, बजरंग बली के नाम लेकर उठते, क्योंकि दोस्तों हम वहाँ पर रहते थे तो हर मंगल को जाते थे प्रसादी चढ़ाने, हर मंगल को जाते थे प्रसादी चढ़ाने दोस्तों। हम वहाँ पर अगर रहते थे तो कोई भी मंगल के हर शाम को हर मंगल को नहा धोकर उसके बाद में जाते थे दोस्तों प्रसादी चढ़ाने। अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर नहीं जाते दोस्तों, फिर भी वहाँ पर मेरी दीदी जाती है प्रसादी चढ़ाने दोस्तों। तो वहाँ पर हम जाएंगे दोस्तों, तो हम भी प्रसाद चढ़ाएंगे वहाँ पर, 100 रुपया का प्रसाद चढ़ाएंगे बजरंग बली के, अगर मेरा चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगा तो दोस्तों। बस थोड़ा सी बाकी, 150 घंटा बाकी दोस्तों। हम बोले थे कि 300 घंटा बाकी, तो 150 घंटा दिया है और 150 घंटा बाकी। बस भगवान जी से यही दुआ करती कि वो भी मेरा हो जाए दोस्तों, बस अब थोड़ा दिन है, 4 दिन है मेरे पास, तो 4 दिन में अगर 150 घंटा नहीं हुआ ना तो मेरा पूरा वाच खींच लेगा दोस्तों। तो इसीलिए प्लीज़ आपसे वीडियो देखे, आपसे दिल से रिक्वेस्ट करती दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले आप लोग हैं, अगर आप लोग नहीं वीडियो देखेंगे तो मेरा वीडियो कैसे चलेगा दोस्तों। इसीलिए आपसे वीडियो देखे और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, अच्छे अच्छे कमेंट करना दोस्तों, कोई गलत कमेंट नहीं करना। और दोस्तों तब तक के लिए इतना है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, धन्यवाद। और दोस्तों हमको दोस्तों बुलाया जाता है दोस्तों, एक दीदी जी भी बोले थे कमेंट करके कि आप कितना बार दोस्तों बोलते, अब क्या करें, हमको आदत लगे दोस्तों बोलने की, आप बुला ही जाते तो हम क्या करें, आप ही बताइए। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए इतना ही, मैं कोशिश करूँगी कि मेरा आदत छुटा दोस्तों, क्योंकि सच में मैं भी एक वीडियो देखी हूँ अपनी खुद से, मैं इतना बार बोलती हूँ लगता है एक वीडियो में 200-300 बार दोस्तों बोल देती हूँ। तो कोई नहीं दोस्तों, फिर से बोला कोई नहीं फ्रेंड्स, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, लव यू, धन्यवाद। अगर आपकी दोस्त अच्छी लगती है तो बाय बाय, लव यू, धन्यवाद।